बाकी बाहर मंदिर या श्री अन्नपूर्णिमा माँ का मंदिर है भाई। तो गाइस ये देखा भाई, जय श्री कृष्ण दोस्तों। भाई मथुरा वृंदावन की अगली सीरीज की अगली वीडियो में भाई हम पहुँचे गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन। भाई माना जाता है कि भाई यहाँ पे इस मंदिर में दर्शन किए बिना जो परिक्रमा करते हैं आगे पे वो परिक्रमा सफल नहीं मानी जाती। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए, वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद लेके चलते हैं आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराने। भीड़ भाड़ अच्छी खासी हो रखी है भाई, तो अंदर से लेंगे भगवान जी के दर्शन कराएंगे आपको। और कमेंट में एक बारी हर हर महादेव जरूर लिख दो भाई। भाई ये परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है, भीड़ भाड़ अच्छी खासी है यहाँ पे, तो शूज़ वगैरह की यहाँ पे कुछ जगह दिख नहीं रही, तो भाई रोड पे ही निकाल रहे हैं सभी। मैं भी अपना शूज़ वगैरह यहाँ रोड पे निकाल देता हूँ, फिर चलेंगे अंदर महादेव जी के दर्शन करने और आपको भी कराएंगे भाई। भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है भाई, लाइन वगैरह भी लग गई है, तो अभी चलते हैं भाई मंदिर के अंदर। कमेंट में लिख दो हर हर महादेव की जय। अब चलते मंदिर के अंदर। ये देखो भाई, श्री गोपालेश्वराय नमः। बाकी बाहर मंदिर या श्री अन्नपूर्णिमा माँ का मंदिर है भाई, पूरा मंदिर कर लिया भाई विजिट। अब निकलते बाहर की तरफ।
भी दर्शन कर लिए हैं, अब यहाँ पे अब पीछे की तरफ चलते हैं और परिक्रमा करके आते हैं भाई। ये देखा भाई गोपेश्वर महादेव मंदिर पूरा विजिट कर लिया भाई, एक एक करके सारे मंदिर विजिट करते जा रहे। वीडियो चैनल पे आई जा रही है, 15-16 वीडियो चैनल पे आ चुकी है ऑलरेडी, पूरी मथुरा की वृंदावन के सारे मंदिर की भाई जाके भाई चैनल पे चेक करें सारी वीडियोस को, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई अभी बहुत सारी वीडियोज़ बाकी हैं वृंदावन के, तो ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। आप भी अपना सपोर्ट बना के रखें, मिलते भाई अगले वीडियो में, तब तक चैनल कर लो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाई।